नो कि आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं कि बार बार एक ही टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वो टॉपिक जितनी भी देखोगे ना सब अलग अलग होती है, क्योंकि इतना बड़ा केस है जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, ये कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं है। ओके, क्योंकि जब मैं अपनी ट्रेनिंग देता हूँ लोगों को, तो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पे मैं 1.5 घंटे का सेशन अलग से देता, सेपरेट एकदम। तो सोचो कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट 3 मिनट की वीडियोस में क्या होगा। तो देखो आज का टॉपिक है ना थोड़ा सा हटके, आपने ये तो सुना होगा पीएफ जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो है पीएफ ऑफिस रिजेक्ट कर दी, आप भी बताओगे कंपनी भी रिजेक्ट कर देती है, आखिर क्यों? तो देखिए अगर आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है, कंपनी हेल्प नहीं कर रही है, सील सिग्नेचर नहीं दे रही है, कैसे भरे, कौन से पीएफ ऑफिस में ले, किस तरीके से ऑनलाइन फॉलो अप ले, स्टेटस देखे, सारी चीज़ें हम बताएंगे अगर आप कंसल्टेशन लेंगे तो। वो भी कंसल्टिंग चार्जेस बहुत कम हैं। ओके, तो अगर आप रेडी है, अगर आप पहले पे कर सकते हैं देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, व्हाट्सएप नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत कम कंसल्टिंग चार्जेस में आपको बड़ा सॉल्यूशन बता देंगे, क्या सारी डॉक्यूमेंट देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपने सुना होगा कि पीएफ ऑफिस रिजेक्ट करते हैं, एब्सोल्युटली 100% सही है जो पीएफ ऑफिस रिजेक्ट करती है, ये तो कंफर्म है, बट कंपनी भी रिजेक्ट करने लग गई, ये थोड़ा सुनने में लग रहा है अजीब। ये क्यों होता है मैं आपको बता दूँ, कुछ पीएफ कंपनी जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल कंपनी होती है, वो क्या करते हैं कि जब आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करते हैं ना, तो लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये भाई कहाँ से डाउनलोड किया, सोर्सेस क्या है, मतलब कुछ लोग जैसे ये नॉन लेटर हेड है, अब मैं इसकी बात करूँ ये लेटर हेड है। ओके, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को क्या करती है कि अगर ज़्यादातर अब ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करती कंपनी, बहुत कम कंपनी जिनके पास खुद का लेटर हेड जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है। ओके, तो कंपनी पहले फॉर्म को रिजेक्ट कर देती, बोलती नहीं आपको जो हम फॉर्म दे रहे उसी को फिल करें, इसे लेटर हेड जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म कहते हैं पहली बात। सेकेंड बात ये कि लोग गलत फिल करते हैं, अगर अच्छी कंपनी है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, देखती है ये गलत फिल किया उसको सही तरीके से फिल करवाती है और फिर करती है, ये अच्छी बात है। और थर्ड ये कि कंपनी डॉक्यूमेंट्स भी देखती है कि भाई आप क्या क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि मैंने बहुत सी कंसल्टिंग दी हूँ, मेरी ट्रेनिंग देता हूँ, तो लोगों से मैं सुनता हूँ कि कंपनी हमारे से बोली आधार कार्ड दे दो और जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर दो हो जाएगा, और बेचारे एक एक साल से वेट कर रहे, 6-6 महीने से वेट कर रहे, तो ये गलत जानकारी जा रही है। अगर इसके लिए आपको सही जानकारी जानना है वीडियो में चाहे तो जितना बड़ा बना रहे जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर उतना कम है, 1.5 घंटे सेशन में भी मेरा कम टाइम लगता है, काफ़ी बार 2 घंटा सेशन चला जाता है, क्योंकि मैं इन डिटेल सिखाता हूँ, उनकी ऊपरी ऊपरी चीज़ें सिखाते हैं, हम ऐसे नहीं करते। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।